राजस्थान में विधानसभा चुनावी बिगुल बजने के साथ ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारना शुरू कर दिए हैं। पिछली कड़ी में हमने बात की थी डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र की, आज हम बात करेंगे पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र की। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। वीर तेजाजी महाराज की स्मृति में भरे जाने वाले पशु मेले के लिए प्रसिद्ध पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र अब कुचामन डीडवाना जिले में आ गया है। पहले पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र नागौर जिले में आता था। इस क्षेत्र में लंबे वक्त तक जेठमल बरवड़ का दबदबा रहा है। जेठमल ने 1962 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1972, 1977 और 1980 में लगातार 3 बार जीत हासिल की। पर्वतसर से मौजूद वक्त में सचिन पायलट के कट्टर समर्थक माने जाने वाले कांग्रेस से रामनिवास गावड़िया विधायक हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से एक बार फिर रामनिवास गावड़िया चुनावी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, तो वही बीजेपी ने मैदान में मानसिंह किंसरिया को उतारा है। मानसिंह किंसरिया 2008 से 2018 तक लगातार 2 बार पर्वतसर से विधायक रह चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने युवा चेहरा उतारते हुए रामनिवास गावड़िया को टिकट दिया था, तो वही बीजेपी का भरोसा लगातार 2 बार के विधायक मानसिंह पर कायम रहा। हालांकि 2018 का चुनाव बेहद रोमांचक रहा। इस चुनाव में पर्वतसर की जनता ने कांग्रेस के युवा चेहरे पर भरोसा करते हुए उन्हें 76,373 वोट दिए, तो वही बीजेपी से मानसिंह किंसरिया को 61,888 मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। इस दौरान रामनिवास गावड़िया पर्वतसर के विधायक के रूप में चुने गए। 2018 के विधानसभा चुनाव में पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र में 2,20,085 मतदाता थे, जिन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी रामनिवास गावड़िया को 76,373 वोट देकर जिताया था। वही अगर बात करें पर्वतसर के जातिगत समीकरण की, तो पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र में जाट मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। राजपूत और रावणा राजपूत भी अच्छी खासी संख्या में है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए लंबे वक्त तक सीट आरक्षित रही और यहाँ मेघवाल समेत अन्य एसटी जातियों का भी दबदबा है। इसके अलावा गुर्जर, मुस्लिम, माली, कुमावत, वैश्य और ब्राह्मण समाज भी यहाँ ज्यादा प्रभाव रखता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में गुर्जर मतदाताओं ने एक तरफा मत रामनिवास गावड़िया को दिया था। 2023 के आंकड़ों के अनुसार यहां पर करीब 2,47,000 मतदाता है, जहां जाट वोटर्स की संख्या करीब 60,000, राजपूत और रावणा राजपूत वोटर्स की संख्या करीब 50,000, मेघवाल वोटर्स की संख्या करीब 40,000, ब्राह्मण वोटर्स की संख्या करीब 16,000, कुमावत वोटर्स की संख्या भी करीब 16,000, जो इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहा करते हैं। इसके अलावा माली वोटर्स की संख्या करीब 15,000, मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी करीब 15,000, गुर्जर वोटर्स की संख्या करीब 12,000, देवासी वोटर्स की संख्या भी करीब 10,000, अन्य मूल ओबीसी करीब 13,000 है। बता दें 2018 में बीजेपी उम्मीदवार मानसिंह किंसरिया को 61,888 वोट हासिल हुए थे और 14,485 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।